पता नहीं कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ मैं मेरे, ऐसे करूंगी तो मैं और लेट हो जाऊंगी। सो आई एम ऑल सेट, मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपने साथ सगर गांव और अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि ये जर्नी मेरे लिए कैसी रही। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी और मैं आपको लेके जा रही हूँ रुद्रनाथ जी के ट्रैक के सफ़र पे और वहाँ तक जहाँ तक हमारी बस, हमारा वाहन जाता है वो है सगर गांव। तो इसलिए मैं आपको सगर गांव लेके जा रही हूँ। मैंने इसकी बुकिंग कर ली थी रेड बस से, उत्तर प्रदेश परिवहन की जनरत, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो ना करें क्योंकि मैंने टिकट तो कर ली थी। जिस हिसाब से मेरे को सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ था और बस निकल गई थी, ऐसा ड्राइवर ने मेरे से कहा, या वहाँ के जो उत्तर प्रदेश परिवहन के और जो चालक थे बस के, ऐसा उन्होंने मेरे से कहा। जो कि नॉर्म्स के हिसाब से रेड बस के ऐसा होता है कि अगर आप सिंगल फीमेल पैसेंजर हो तो आपको कॉल किया जाता है, आपसे कांटेक्ट, आपको कांटेक्ट शेयर किया जाता है ड्राइवर का या फिर कंडक्टर का। तो मेरे साथ ऐसा भी नहीं हुआ था, मेरे को कोई मैसेज वैसेज कुछ नहीं आया था क्योंकि आई थिंक ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का था इसलिए। उसके बाद मैंने TT से टिकट बनाने के लिए बोला तो उसने मेरा टिकट देहरादून का बना दिया। हसल पसल इतनी थी, पेमेंट इशू आ रहा था तो इस वजह से मैंने टिकट नहीं देखा। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है, लेकिन आप मेरी गलती से कुछ सीखिए और आप ऐसा ना करें, मेरा आपसे ये नम्र निवेदन रहेगा। आप टिकट कटवाते हैं, कोई भी वाहन में जाते हैं तो आप टिकट ज़रूर देखिए कि कहाँ तक कटा है और कितना कटा है। तो मेरे से ये गलती हुई थी, मुझे दिल्ली से जाना था ऋषिकेश लेकिन मैं पहुंच गई देहरादून, फिर देहरादून से मैंने बस दोबारा ली और फिर मैं पहुंची ऋषिकेश। इस आनन फानन में हमारी जो बस थी जो डायरेक्ट हमें लेके जाने वाली थी कोपेश्वर, वो निकल गई। तो इवन सगर भी हमें डायरेक्ट बस मिल जाती लेकिन वो निकल गई। दिल्ली से सगर के लिए मंडल की डायरेक्ट बस चलती है, आप कश्मीरी गेट में पता कर सकते हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश परिवहन की थोड़ी देर पहले जो इसमें वेबसाइट आई थी UTC ऑनलाइन जाके आप उसमें स्टेशन टू स्टेशन देख सकते हैं, आपको ईजीली पता चल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भी आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। हवाई यात्रा करके आना चाहते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट आपके लिए कन्वीनियंट है, लेकिन वहाँ से फिर भी आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। तो हरिद्वार इज़ अ मेन प्लेस, चाहे आप कहीं से भी आएँ हरिद्वार से ही आपको आगे जाने के लिए बस मिलेगी। ऋषिकेश के बाहर से, ऋषिकेश से होते हुए कनेक्टिंग बसेस जाती हैं काफ़ी सारी रुद्रप्रयाग को, कर्णप्रयाग को, तो आप वहाँ से अगर आपकी बस डायरेक्ट बस छूट गई है तो वहाँ से कनेक्टिंग बस ले सकते हैं। हमने भी कनेक्टिंग बस ली थी, तो हमने चमोली तक की कनेक्टिंग बस ली थी जिसका किराया हमें पड़ता है कुछ 500 रुपये, मोटा मोटा मानते हैं समथिंग 400 रुपये था, दो लोगों का किराया था 1000 रुपये समथिंग। सो वहाँ से हमें जाना है फिर गोपेश्वर। फिर हम वहाँ से जब हम चमोली पहुंच गए थे तो वहाँ पे टैक्सी लगी रहती है, यानी बुलेरो या सूमो कहते हैं पहाड़ में उसे, वो लगी रहती हैं। आप इजीली वहाँ से सूमो या बुलेरो ले सकते हैं और वो आपको छोड़ देंगे गोपेश्वर। ज़्यादा दूरी नहीं है, वो आपको इजीली छोड़ देंगे और इजीली मिल भी जाती हैं। फिर गोपेश्वर जैसे ही आप पहुँच जाएँगे तो वहाँ पर सगर के लिए 20 रुपया लगता है पर पर्सन का, वहाँ से आपको मिल जाए, आप फिर डायरेक्ट सगर पहुंच जाएंगे गोपेश्वर से 20 रुपये से सीधे सगर। तो आप इजीली मतलब 6-7 बजे के टाइम पे आप इजीली पहुंच जाएंगे अगर आपकी डायरेक्ट बस छूट जाती है तब भी। हमें यहाँ जाते जाते लेट हो गया था और मौसम ने ऐसी करवट ली कि बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी, इस वजह से एक जो हमारा ड्राइवर था उसने हमें पर्टिकुलर दुकान पे उतारा और हम वहाँ से कहीं जा नहीं पाए। पहाड़ी पहाड़ है तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मौसम बहुत ठंडा हो गया था। इस वजह से भी हमने ये डिसाइड किया कि हम ये सोनू जो गेस्ट हाउस है यहीं रहेंगे, लेकिन बाद में हमें पता चला सोनू गेस्ट हाउस के जस्ट नीचे 2 रुद्रनाथ के गेट हैं, एक ऊपर को एक नीचे, जैसे देख रहे हैं उसकी जस्ट ब्लू वाला मकान है, वहाँ पे आपको अच्छा अकोमोडेशन वर्थ फॉर मनी और बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, उनका आचार व्यवहार भी ज़्यादा अच्छा है। सोनू गेस्ट हाउस में रुकना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा इट्स वेस्ट ऑफ मनी, तो आप ये ना करके दूसरा वाला जो गेस्ट हाउस है वो करें। वहाँ पे रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, गीज़र की अच्छी सुविधा है, लाइट्स की भी अच्छी सुविधा है, तो आप वो करें, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा।
बाकी हमने यहाँ खाना नहीं खाया था, खाना हमने उसी गेस्ट हाउस में खाया था, इस गेस्ट हाउस में। और जब चढ़ाई के बाद वाले दो दिन भी हमने यहाँ पे प्री बुक कर लिए थे। आगे आने वाली वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में आज का सफ़र इतना ही तय करते हैं। कल के सफ़र में मैं आपको लेने चलूँगी डायरेक्ट रुद्रनाथ ट्रैक, और अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि एक्चुअली ट्रैक कैसा है और इसमें कितने एफर्ट लगते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे सुबह।